हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके रेजिडेंट टीचर शैलजा शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ आपके इसी पुराने चैनल पे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज इसको लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम आपको एक डेली एक ना एक चैप्टर पढ़ाएंगे और उस चैप्टर से 100% श्योर कि आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए हम आगे अगर मूव करते हैं तो बेटा पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना हो टेलीग्राम पे तो आप सर्च कर सकते हैं रीजनिंग बाय शैलजा मैम। ठीक है, और आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे हमें 9628894x7 पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। एंड आप यहाँ पे आपका कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, जो चैप्टर मैंने पढ़ाया हो जो मैंने ना भी पढ़ाया हो, आप मुझे वो डाउट सेंड कर सकते हैं और मैं आपके वो सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक आपका हम स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है बेटा कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो बेटा बात करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की, तो इसको हिंदी में बोलते हैं कोड लेखन और कोड वाचन। कोड लेखन एंड कोड वाचन का मतलब क्या होता है कि आपका जो एग्जामिनर होता है वो किसी पर्टिकुलर वर्ड को, आपका जो एग्जाम है यूपीएससी, ठीक है, यूपीएसआई, एसएससी, इन सब में क्या कहता है, एक वर्ड को कोड करता है। अगर आप बैंक का पेपर देने जाते तो पूरे पूरे स्टेटमेंट को कोड करता है, मतलब पूरा सेंटेंस लिखेगा। लाइक हमने बोला कि यू आर ब्यूटीफुल, तो उस पूरे यू आर ब्यूटीफुल को पूरे को कोड करेगा, उस पूरे की कोडिंग करके देगा, तो आपको उस पूरे सेंटेंस की कोडिंग निकालनी होगी। बट फिलहाल आज हम वर्ड्स की बात करते हैं, जब हम वर्ड की बात करेंगे तो पर्टिकुलर वर्ड को वो कोड करके देगा। आपको इन दोनों के बीच में जो लॉजिक लगी होगी उसको सर्च करना होगा, उसके बाद में जो आपका गिवन वर्ड होगा उस पर आपको लॉजिक लगा करके आपको आंसर को देना होगा। ठीक बेटा, ये चैप्टर ना जो आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप मान लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो कोडिंग डिकोडिंग आपकी जरूर आती है, एसएससी, ठीक है, यूपीएसआई, बैंक, रेलवे, ठीक है, इवन आईएसपीसीएस का अगर पेपर देने जाओगे या फिर यूपी टेट आप देने जाओगे तो भी आपको एक नंबर दो नंबर की कोडिंग डिकोडिंग मिलना तो फिक्स्ड है। तो इसलिए कोडिंग डिकोडिंग आप अच्छे से पढ़िएगा बेटा, कोई भी डाउट होगा तो उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करिएगा। बचपन में आपने एबीसीडी पढ़ी है ना, होप सो आपने पढ़ी है, पक्का पढ़ी होगी। तो जो बचपन में आपने एबीसीडी पढ़ी है ना, इसका हम प्रॉपर यूज करते हैं आज। तो आपको पता है बेटा कि ए से लेकर के जो जेड होता है ना, इसमें आपके पास 26 लेटर होते हैं। हम 26 लेटर को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, 13 और 13 के पार्ट में। तो एक 13 में हम लेकर चलते हैं ए से लेकर के एम तक, दूसरे 13 में हम लेकर चलते हैं एन से लेकर के जेड तक का। क्लियर? एक बार हम कहां से ए से लेकर के एम तक, दूसरा हम एन से लेकर के जेड तक का, हमने इसको 13-13 के पार्ट में तोड़ दिया। तो बेटा हमने ए से शुरू किया, यहाँ पे एम तक लिखा, और इसके जस्ट नीचे से यहां से हम एन से शुरू करेंगे, हम जेड पे लिखेंगे। क्यों हमने उल्टा क्यों लिखा? क्योंकि जो सामने सामने की लिखी हुई चीजें हैं बेटा ना, वो एक दूसरे की अपोजिट है, और जितनी भी अपोजिट चीजें हैं ना, आप उसको जब कभी भी कहीं से भी ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 27 26 1 27 25 2 27। मतलब क्या कि अपोजिट को आप कभी भी कहीं से भी ऐड करोगे आपका आंसर क्या आना है, 27। तो आपको ना अपोजिट हमेशा याद रखना। सेकेंड थिंग, आपको प्लेस वैल्यू हमेशा याद रखनी है कि कौन सा अल्फाबेट किस जगह पे है। लाइक हमने आपके लिए कोई भी स्टेटमेंट यूज करके, कोई भी सेंटेंस यूज करके हमने लिख दिया कोडिंग, ठीक है, हमने लिखा कोडिंग। अब हमने कोडिंग को लिखा, अब आपको जल्दी जल्दी से याद होना चाहिए क्या कि सी आता है 3 पे, आपका ओ आता है 15 पे, डी आता है 4 पे, 9 पे, 14 पे, 7 पे। अब बच्चा मुझे ये चीजें फ्लो में याद है, एंड मैं चाहती हूँ कि आपको भी ये सारे प्लेस वैल्यू 26 लेटर्स जो हैं वो आपको फ्लो में याद हो, ठीक है। तो आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, क्या, एक आपका प्लेस वैल्यू, दूसरा आपका अपोजिट। बेटा प्लेस वैल्यू कैसे याद रखना है, प्रैक्टिस करके किसी भी नाम को कोड करिए, किसी भी जगह को कोड करिए, जो भी आपको इजी लगता है आप उसको कोड करिए और उस पर प्रैक्टिस करके उसको याद रखिए। अपोजिट याद रखने के क्या करते हैं, छोटे छोटे से वर्ड्स बना लेते हैं। लाइक मैंने बोला आजाद, तो जब मैंने बेटा बोला आजाद तो आपके दिमाग में क्या आया, ए एंड जेड, क्या कि ए का अपोजिट जेड होता है। हमने बोला बॉय तो बी वाई, बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई। हमने बोला क्रैक्स तो सी का अपोजिट एक्स, ड्यू तो डी का अपोजिट W, E का अपोजिट V, शॉर्ट ट्रिक इवेंट, F U 4 GT रोड, HS हरी सब्जी, IR इंडियन रेलवे, JQ झांसी क्वीन। मैंने बोला KP तो आप कह दो कमला पसंद, LO लव कर लो, MN मैन कर लो,
तो आपको ये इस सारे वर्ड्स ना आपको क्लियर हो जाएगा क्या कि कौन से का ओपोजिट क्या होता है। लाइक देखिए फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा कोडिंग, ठीक है। अब दिस टाइम हम क्या लिखने जा रहे हैं, अपोजिट, तो हमें क्या आते हैं, क्रैक्स, लव, ड्यू, इंडियन रेलवे, मैन, जीटी रोड। डन बेटा, हो गया, जस्ट अपोजिट हमने फटाफट से लिख डाली, क्यों, क्योंकि हमें फ्लो में याद है। तो इस शॉर्ट ट्रिक का हम यूज ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन पे आपका कैसे क्या यूज होता है, जब आप कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर पढ़ते हो ना, जब सिर्फ आप अल्फाबेट याद करते हो तो इससे रिलेटेड आपको कितनी सारी चीजें, गेम ऑफ अल्फाबेट मैंने लिखा ना, तो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपके पास बनते हैं ये देखिए, क्या क्या, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग, कोडेड इक्वेशन, ऑड वन आउट, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक, ये पूरी पूरी आपको कुछ लिख के दे दिया गया, आप बताते हैं उसमें कितने वर्ड्स बन रहे हैं, पेयर फॉर्मेशन के कितने पेयर बन रहे हैं, डिक्शनरी के कौन से ऐसे वर्ड जो कि डिक्शनरी में आते हैं, कौन से मीनिंगफुल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, लेटर सीरीज, ठीक है बेटा, मिसिंग अल्फाबेट, जम्बलिंग, ये सारी चीजें आपको, मतलब एक बार कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ते हो ना तो आपको ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगे, जो कि आपके सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। बच्चा आपका होमवर्क ये होगा आज, है ना, जब आपका पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे ना, एंड कोशिश करेंगे कि कुछ जो हमारे पास 10-12 क्वेश्चन है उससे कुछ आपके डाउट क्लियर हो, कुछ डाउट आपके जो है आपके नेक्स्ट सेशन में क्लियर होंगे। बट आप कोशिश ये करिएगा, आपका होमवर्क ये कि जब ये चैप्टर अभी आपको जब प्लेस वैल्यू और आपको जब अपोजिट याद हो जाएगी, तो उसके बाद में आप क्या करिएगा, अपनी बुक आपके पास में जो भी होगी उसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हिंदी में कूट लेखन और कूट वाचन और अल्फाबेटिकल सीरीज, इनको खोलिएगा और इसमें से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि आपसे सॉल्व होते जा रहे हैं वो आप सॉल्व करते जाओ। अगर कोई भी आपको डाउट मिलता है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मुझे सेंड करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, बट तब जब आपसे सॉल्व ना हो तब, ठीक है। चलिए हम बेटे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन को हम पिक करते हैं। बच्चे हमने लिखा है यहाँ पे मास्टर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने सामने सामने कोडिंग कर रखी है, मैंने लिखा मास्टर और हमने पूछा कि टीचर का कोड क्या होता है। देखिएगा बेटा, आपको पता है कि ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, हमने लिख दी है, ए की प्लेस वैल्यू 5 होती है, हमने लिख दी है, तो आपको ये दिख रहा है कि हाँ मैंने सेम प्लेस वैल्यू का यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो एम के सामने लिखा हुआ 4, एस के सामने 1, टी के सामने 2, तो आपको दिमाग लगाना है कि ये कैसे आया। तो एम की प्लेस वैल्यू होती है बेटा 13, तो 3 और 1 4, ठीक है, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, तो 9 और 1 10, और 10 को फिर से जब हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया आपका 1, टी की होती है 20, तो क्या हो गया 2, 18, तो क्या हो गया 9, फिर से 19 और क्या हो गया आपका 1। तो आपको ये चीज समझ में आए क्या कि पर्टिकुलर लेटर का, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा टी, तो पर्टिकुलर लेटर की प्लेस वैल्यू को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, ठीक बेटा, तो क्या लिख रहे हैं, प्लेस वैल्यू को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये ट्रिक आप कहीं से लिख लीजिएगा, आप इसको कॉर्नर पे लिख लीजिएगा जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो इस हिसाब से टी का है आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा 20, आर का होता है आपका 18, तो 1 + 8 9। देखिए ऑप्शन के थ्रू कैसे क्वेश्चन को पिक करते हैं, हम आपको ये सिखाते हैं। तो आप देखो कि 2 and 9 आपको कॉमन मिल रहा है, तो जहां पर 2 and 9 होगा वो आपका होगा आंसर। तो बेटा ये दो ऑप्शन आपके कट गए, तो आपका बने कौन से दो ऑप्शन, यहां से अब देखिएगा यहाँ पे 2 5 9 आपका सेम चल रहा है, तो बेटा आप 8 5 9। अब आपको ये क्या करना है कि आप दोनों में से कोई एक आंसर है, तो यहाँ पे थर्ड लेटर से हमें पता चल जाएगा आंसर कौन सा। बेटा थर्ड लेटर यहाँ पे है 1, तो उस हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए 1, तो और यहाँ पे क्या आना चाहिए 5, तो 2 5 1 एंड लास्ट में 9 जो है वही ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर। तो 2 5 1 लास्ट में 9, दैट मीन ए इज योर राइट आंसर। नाउ क्लियर बेटा, एग्जाम में आपका एक एक सेकंड आपके लिए कीमती होता है, और उस एक एक सेकंड को आपको पिक कैसे करना है, आपको कैसे वो एक एक सेकंड बचाना है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। चलिए होप्स अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर की नंबरिंग कर देती हूँ ताकि आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दें कि मैम इस क्वेश्चन नंबर में डाउट है, इस क्वेश्चन को आप प्रॉपरली फिर से क्लियर कर दीजिए, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, तो आप देखिएगा
कि हॉर्स लिखा हुआ है, हमने इसको लिखा 2/3। 2/3 आप क्या से लिख सकते हो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लॉजिक लग रही होगी। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे ओ एन ई मतलब क्या, दो वॉवल है, दो वॉल है, तो हमने लिखा टू, और यहाँ पे 1, 2, 3, 3 कॉन्सोनेंट है तो ओमेगा 3, दैट्स मीन हम क्या कर रहे हैं, वॉल अपॉन कॉन्सोनेंट। और यहाँ पे 2, 2, 2, 2 कॉमन है, मतलब क्या यहाँ से 2, तो 2 हो गया आपका वॉल, बचे कितने 4, तो क्या हो गया आपका वॉल अपॉन कॉन्सोनेंट मतलब 2/4, दैट्स मीन ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था ना। चलिए बेटा हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते चल रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखिए दो वर्ड लिखे हैं आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं आपके, डीप और रैबिट। तो बेटा आपको कैसे भी करके डीप से आपको 60 लाना है, आपको उसी फॉर्मेशन में आपको रैबिट से 100 लेकर के आना है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा डीप की, तो DEE और P लिखा है हमने, तो ये है आपका 60, ठीक है। अब आप देखिएगा D की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 4+5+5 प्लस P की 60। अब कैसे इससे 60 ला सकते हो, जब इन सब को हम ऐड करेंगे हमारा आंसर आएगा 30, अगर हम 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा आ गया 60, ठीक बेटा। तो हमें समझ में आ गया कि सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू को हमें ऐड करना है और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। हम यहाँ पे रैबिट में मूव करते हैं और यहाँ पे जितनी भी प्लेस वैल्यूज हैं इनको सबको हम ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 50। चेक कर लीजिएगा आप एक बार, एम 50 में हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। सेम आप यहाँ पे एच ए आई आर पे अप्लाई करिएगा तो एच की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 8। चलिए हम लिख देते हैं प्रॉपरली क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना है, तो 8+1+9+18, ठीक है। एच प्लस ए प्लस आई प्लस आर इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 36। और जब हम 36 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 72। दैट मीन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन को बेटा बहुत प्रॉपरली समझिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। ये आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा ए की प्लेस वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी है 26, तो आप ये बताओ कि ए की प्लेस वैल्यू 26 हम कैसे लिख सकते हैं। आपको पता है कि ए का अपोजिट होता है जेड और जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। तो दिमाग में एक चीज क्लिक किया क्या कि अपोजिट की प्लेस वैल्यू को उसने लिखा है, तो ऐसे इसने क्या किया, एस यू एन से 27 लेकर क्या, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्योंकि अपोजिट की प्लेस वैल्यू को लिख रहे हैं तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, क्यों, क्योंकि एस के अपोजिट एच होता है, तो यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। फिर U का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 6, क्यों, क्योंकि होता है आपका F, तो F की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 6। N का अपोजिट होता है M और M की प्लेस वैल्यू होता है 13, तो 8, 6, 13 को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 27, ठीक। तो आपको समझ में आ गया कि जितने भी अपोजिट हैं उनको हम ऐड करें तो हमारा आंसर आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सी ए टी क्रैक्स आजाद जी टी रोड, तो 24, 26 और 7, जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 57। सो सी इज योर राइट आंसर, ठीक है बेटा। आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या किया है, ए को उसने 2 लिखा है, एम को 26 लिखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा ये, लेट मी चेक, वंस 4 हो चुका था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। ए को 2 लिखा, ठीक, फिर एम को 26 लिखा, तो आपको पता है कि एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 करके 26 कर दिया, इसकी 26 होती है मल्टीप्लाई बाय 2 करके 52 कर दिया, तो है बी ई टी। अब आपको इसका आंसर लेकर क्या ना बेटा, तो आप ध्यान से देखिएगा, तो आप कह सकते हो बी की प्लेस वैल्यू डायरेक्टली 4, 5 से 10, उसके बाद 20 से 40 लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि बी ई टी है, इसकी प्लेस वैल्यू को लिखो 2, 5, 20, है ना, सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27। अब इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 54, ठीक है। तो दैट्स मीन 54 इज योर राइट आंसर, सो बी इज योर राइट आंसर। आप यहां से दो तरीका अपना सकते हो, या तो इसको 2, 5, 10 लिख करके लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करिए, या फिर छोटे बच्चों को तय करना है तो आप इसको 4+10+20 करोगे तो भी आपका C
सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 + 10 + 20 तभी आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 54। चलिए सॉरी 20 नहीं 40, 20 ऑलरेडी होती है, 40 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए e इक्वल्स टू 5 ऑलरेडी होता है, e इक्वल्स टू 5 आपको ऑलरेडी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कैसे ना कैसे करके कोड करके होटल का उसने 12 कर दिया है बेटा। अब हम बात करते हैं इसकी, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, तो e की प्लेस वैल्यू ऑलरेडी 5, तो आपको यहां से इससे कैसे भी करके 12 लाना है। तो बेटा जब आप इस पे वर्क करोगे ना होटल पे, होटल पे अगर हमने वर्क किया तो 8 + 15 + 20 + 5 + 12। अच्छा इन सबको आंसर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 60, हमें लाना कितना है 12। 60 आ रहा है, हमें लाना है 12। अब आप कोशिश करोगे कि मैम हम 60 से 12 कैसे ला सकते हैं, तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, जब आप इस पे ध्यान दोगे तो HOTEL ओवर ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स कितने यहाँ पे 5, तो हम नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर देंगे। ये क्या बेटा नंबर ऑफ लेटर, मैं लिख दे रही हूँ आपकी ट्रिक ताकि आप भूलो नहीं, ये क्या आपका नंबर ऑफ लेटर से हम डिवाइड कर रहे, तो हमारा आंसर कितना आ गया 12, हमें लाना 12 ही था, हम सक्सेस हो गए, हम जीत। जब हमने ये किला फतेह कर लिया तो हमें क्या लाना है, लैम का कोड करना है। जब हम इस किला को फतेह करने के बाद में हम इस लैम पे प्रॉपर वर्क करते हैं, देखते हैं ऑप्शन से आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ठीक है आप क्या करोगे 12 + 1 + 13 + 2, आंसर कितना आ जाएगा इन सबको ऐड करने पे आपका 28, ठीक। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है नंबर ऑफ लेटर, जो आपके 4 है तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 7। 7 ऑप्शन में है, 7 आपके ऑप्शन में है, यस मैम है। सो ए इज योर राइट आंसर, मतलब आपके पास में ये आंसर है, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, होप सो कुछ डिफरेंट मिला। बेटा मैंने बोला ना कि मैं धीरे 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 करके आपका एक एक लेवल को मूव करती चलूंगी, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा कोई भी डाउट होगा प्लीज मुझे पूछ लीजिएगा, बट डाउट लेके अपने घर पे मैट बैठिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में ये रहा, ड्राइवर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया 12, ठीक। अब आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है 16, तो आप ध्यान देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से कितना 16। दिमाग में कुछ क्लिक किया क्या कि जितने नंबर ऑफ लेटर्स है उसको मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया 2 कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस आपको बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, कैसे 1, 2, 3, 3 × 2 आंसर कितना आ गया 6। बच्चा इस क्वेश्चन के लिए प्लीज पेन मत उठाना, नाक नहीं कटाना, हमारी कोशिश ये करिएगा कि बिना पेन उठाने से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जितना आप पेन नहीं उठाओगे, जितने आप रिफिल अपनी बचाओगे ना, उतना आप अपना टाइम बचाओगे। तो कंजूसी सीखिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्वेश्चन के मैटर में आपको कंजूसी सीखना बहुत जरूरी है। चलिए बच्चे इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन मैं ऐसा एक क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ, फिर भी हम यहाँ पे मूव करके देखते हैं। तो m की प्लेस वैल्यू 4, सबसे पहला आपको याद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला, ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 7 है, आई थिंक सो नहीं 8 है। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, तो हम अगर यहां पे देखेंगे तो 13 से 4, 15 से 6, आपको समझ में आ गया क्या कि प्लेस वैल्यू को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके उसने लिखा है, ठीक है हम भी मूव कर लेते हैं। तो e की प्लेस वैल्यू है आपकी 5, तो इसने कर दिया हमारे यहाँ पे 5, ठीक है। इसकी होती है 24, तो 24 से कितना हो गया आपके पास में 6, एंड लास्ट में आप आ जाओ तो यहाँ पे होती है 14, तो 14 से आपका क्या हो गया आपका 5। ऑप्शन से पिक करिए, 5, 6, 5 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, 5, 6, 5 का सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये वाला 5, 6, 5 का सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, बी इज योर राइट आंसर। बेटा बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है खुद में आप चेक कर लीजिए, आपको मन करता है आपका सॉल्व करने का तो आप सॉल्व कर लीजिए, आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, बट हम आपको वो सिखा रहे हैं कि आपको एग्जाम में पिक कैसे करना है। तो यहाँ पे 5, 6, 5 का जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है वही आपका सही आंसर है, आगे मूव कर जाओ बात खत्म, आपको और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं टाइटन वॉच। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को,
क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका, तो दो बार आपको दिख रहा है टी और दो बार आपको 7 दिख रहा है ना। दो बार टी दिख रहा है, दो बार आपको 7 दिख रहा है, मतलब आपको एक कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए कि हाँ किसी न किसी हिसाब से मैम टी की प्लेस वैल्यू 7 है, आप उससे ये कहोगे। तो हम एक काम करते हैं कि हम इसको सामने सामने कर देते हैं और इसको क्रॉस करते हैं, क्यों हमेशा नंबर ऑफ लेटर्स को भी ध्यान रखिएगा। जब ये 5 है तो दो इधर बीच में एक हम इसको ऐसे छोड़ते हैं, तो बीच वाले का कॉम्बिनेशन मोस्टली बीच में ही मिल जाता है एग्जाम की जब हम बात करते हैं। तो इस हिसाब से ना टी को 7 यहाँ रख दिया, उसका टी का 7। अब हम आपको ये बताइए कि बेटा टी का 7 हो कैसे सकता है। अगर हम आपसे कहें बेटा टी से 7 लाना है, तो आपका डायरेक्टली टी से 7 बेटा कैसे हो सकता है, तो आपको पता है कि टी का अपोजिट होता है जी और जी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 7। मतलब उसने अपोजिट की प्लेस वैल्यू को लिखा है। चेक कर लीजिएगा इंडियन रेलवे, तो यहाँ पे आर आना चाहिए, तो आर का 18 की वजह से यहाँ पे 9 लिखा है। आजाद, तो यहाँ पे जेड की वजह से 26 की वजह से 8 लिखा है, हो गया। और एन का 14, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम आ रहा है और एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, तो 3+1 4 हो गया। समझ में आ गया? तो आप जब वॉच का करोगे WATCH, तो ये टी का सामने 7 आ गया, क्यों? GT रोड, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे जाओगे तो इस हिसाब से आपका क्या आना चाहिए, ड्यू, क्योंकि यहाँ पे डी आएगा तो प्लेस वैल्यू कितनी आएगी 4। तो आप ये देखो मिड में सेवन एंड लास्ट में 4, सिर्फ एक ऑप्शन में, कहाँ पे? यहाँ पे। समझ में आ गया? मिड में 7, लास्ट में 4, या फिर सिर्फ लास्ट का 4 चेक करो तो सिर्फ एक ऑप्शन में, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। सो सी इज योर राइट आंसर, आगे मूव कर जाइए, ठीक है। क्या करोगे? आजाद है ना, आजाद हो जाएगा, जेड आ जाएगा, जेड के 26 होता है तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। फिर क्रैक्स है ना, क्रैक्स से आपका क्या हो जाएगा, एक्स, और एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24, 24 होती है, 24 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप आ जाओगे तो कितना होता है, हरी सब्जी, तो एस आएगा तो कितना हो गया, 1। ठीक, मैंने आपकी सहूलियत के लिए कि आपको प्रॉपर समझ में आए, कुछ बच्चे ये ना कहें कि मैम आप तो शॉर्ट मोड आ गई, आप आधा खा गई, इस चक्कर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पर जो हमारे स्मार्ट बच्चे हैं ना, वो प्लीज कोशिश करेगा बेटा कि सारा सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है। एग्जामिनर आपके स्टेप पे मार्क्स नहीं देगा, एग्जामिनर आपके आंसर पे मार्क्स आपको देगा। तो आपको आंसर पे फोकस करना है, ना कि आपको स्टेप पे फोकस करना है कि आपको सजा सजा के लिखना नहीं है। बहुत बच्चे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने लगते हैं, नहीं बेटा इतना सुंदर राइटिंग नहीं बनानी है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम मूव करते हैं। बेटा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 4, और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 2 में। जब नंबर ऑफ लेटर आपके पास में 4 है, वो 2 में कन्वर्ट हो गए। अब ध्यान से देखिएगा, ये होता है 21, ये होता है 18, ये होता है आपका 21, ये होता है आपका 18। तो आपको क्या कॉम्बिनेशन से मिल सकता है? बिल्कुल मैम मिल सकता है। आप ये कहिएगा मैम ये मिल गया कैसे, टी का ए 21 हो गया, 20 और 1 21, 20+1 21 है ना। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, जिनको हिंदी की गिनती आती है, इनको इंग्लिश की गिनती आती है, हम दोनों लोग का ध्यान रख रहे हैं। फिर 5 और 13 क्या हो गया आपका, 18। समझ में आ गया कि 2 को एक साथ कॉम्बाइन करके लिख रहे हैं, तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7, एम की 13, तो कितना हो गया आपका 20, और 20 से कितना आ गया आपका टी, टी सिर्फ एक ऑप्शन में है, सो बी इज योर राइट आंसर। बट फिर भी आप आगे चेक कर लो तो 1 और 5 क्या हो गया आपका, 6, दैट मीन हो रहा है बेटा क्लियर, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैम कर रही थी जल्दी जल्दी हो रहा है, आपसे भी जल्दी जल्दी होगा बेटा, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस से आपका भी जल्दी जल्दी होगा। अब आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। अब आप देखना लखनऊ लिखा है और सेम स्पेलिंग से उसने ऐसे ऐसे लिख दिया। अब आपको मैम सी हमने यहां लिख दिया, के यहां लिख दिया, एल यहां से लिया, यहां लिख दिया, एन यहां से लिया, यहां लिख दिया, नहीं बेटा। एग्जामिनर जब भी डिजाइन बनाएगा ना, तो अगर पहले को आखिरी में लेके जा रहा है तो आखिरी को पहले में लाएगा, अगर वो यहां से यहां, यहां से या यहां से यहां, ऐसे ऐसे कुछ करके डिजाइन बना रहा है तो वो डिजाइन प्रॉपरली बनाएगा, उसको डिजाइन बहुत अच्छे से आती है, वो डिजाइन खराब नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए सी के एल एम एन ओ यू डब्ल्यू, ध्यान से देखिएगा बच्चे, पूरी की पूरी स्पेलिंग वही है, फिर भी यहाँ पे अगर लॉजिक का वेट करें, अगर हम सामने होते तो इस क्वेश्चन पे आपको टाइम देते और शायद आपको बहुत टाइम लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बच्चा हमने कुछ नहीं किया, इस पूरे क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया है,
क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, ए, देन अगेन ए, मतलब पहले स्टार्टिंग में आपको दो ए आना चाहिए, ठीक है, तो दो ए आ रहा है आपका। और सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, देखिए दो ए यहाँ पे है और यहाँ पे है, और लास्ट में क्या एम होना चाहिए कि आर होना चाहिए। आपको पता है कि एबीसीडी के हिसाब से लास्ट में आर ही आना चाहिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। डी इज योर राइट आंसर बेटा, क्लियर, इजी वन ना क्वेश्चन, इजी हो गया आपके लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, होप सो क्लियर हो रहा होगा बेटा। एस का एच, अब आप कहोगे हरी सब्जी, मैम हमने अपोजिट लिख दिया, ये हमने लिखा हरी सब्जी, तो बेटा हरी सब्जी बाकी में भी तो चलना चाहिए, नहीं चल रहा है, कोई नहीं, अब ध्यान से दीजिए, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 19 और इसकी होती है 8, कुछ कॉम्बिनेशन मिला, इसकी होती है 15, इसकी है 4, अब देखिए कॉम्बिनेशन 12 1, ठीक है 14 3, कॉम्बिनेशन देखिएगा इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 14 में से 1, ठीक है, क्या है दोनों का सब्सट्रैक्शन जो हो रहा है, 4 में से 1 क्या 3, 2 में से 1 क्या 1, 5 में से 1 क्या 4, 19 में से 1 क्या 8। इस बार भी हम क्या कह रहे हैं, प्लेस वैल्यू को सिंगल डिजिट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, बट दिस टाइम प्लस करके नहीं माइनस करके। पहले यानी हमने क्वेश्चन में क्या किया था, हमने प्लस करके उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया था, इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम इसको माइनस करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है 18, ठीक है, तो 8 में से 1 क्या 7, क्या आ जाएगा जी लिख दिया, और यहाँ पे होता है 19, ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम आपसे ऑप्शन से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 8, और 8 किसकी होती है एच की। चलिए अब हम ऑप्शन के थ्रू आपका आंसर पिक करने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ एक ऑप्शन है, क्या जी से शुरू होकर के एच पे खत्म होने वाला बस एक ऑप्शन है, कौन सा, ये वाला बेटा, है ना, सो ए इज योर राइट आंसर, आई थिंक सो, अब क्लियर बच्चा, पूरा चेक करने की जरूरत है, बाकी ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है, खाली यहाँ पे टी में आपको चेक करना पड़ेगा, बाकी ऑलरेडी आपके सिंगल डिजिट में, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट से ऑप्शन से पिक करिए, आगे बढ़िए, कौन सा हमें वहां पर अवार्ड मिलने वाला है स्टेप के, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 था, अब यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे बेटा। A equals to 8, A को हमने कर दिया 8, B equals to 9, B को हमने कर दिया 9, C equals to 10, C को हमने कर दिया 10। बेटा आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लॉजिक की बात करते हैं, अगर आप देखो तो क्या करें, पर्टिकुलर लेटर की प्लेस वैल्यू में हम 7 जोड़ के उसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, तो पूछ रहे हैं 15, 22, 25, 26, 12, ठीक है, अगर हम इसको कोड करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कोट करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हम मूव करते हैं तो 15 में से जब हम 8 घटाएंगे, देखो सॉरी 7 घटाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 7 बढ़ा के लिखे, तो डायरेक्टली हम 7 घटा के लिखेंगे इस बार, तो कितना आ जाएगा 8, और 8 किसका होता है h का, और h से शुरू होने वाला आपके पास में सिर्फ एक है, तो मतलब क्या है कि 15 22 25 26 और 12 को अगर हम कोड में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा एच ओ आर एस ए, क्या बन जाएगा बेटा आपका, हॉर्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। कितना टाइम बच रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन के थ्रू पिक करने पे आपको कितना ज्यादा टाइम बच रहा है, होप सो आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, तो आप ऑप्शन के थ्रू ही पिक करोगे ना एग्जाम में, मैम की नाक नहीं कटाओगे। चलिए 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलो अब आपके इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि P से 9, E पे 5, R 7, S 5, O 6, N 1। बच्चा आप यहाँ पे अगर लॉजिक की बात करोगे तो आप क्या करोगे, आपको कि मैम E की ऑलरेडी 5 होती है, हमने लिख रखा है, बट अगर बाकी की बात करेंगे तो हमारा नहीं बन रहा है, तो बच्चा ये देखिएगा E की 5, P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, 6 प्लस 1 7, 18, तो 8 प्लस 1 9, क्रॉस क्रॉस कर दिया 14, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है 15, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 19 से कितना हो जाता है 1, क्योंकि ऐसे एक ऐसा आपका सिंगल लेटर है, जब आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो ये 19 होगा, 19 से फिर 10 होगा, और 10 से फिर 1 होगा, बाकी आपका एक बार में हो जाएगा, तो जब आप इसको कोट करोगे ना सचिन को, तो क्या हो जाएगा 3 यहाँ आएगा, है ना 1,
और इसका 1। देखिए मैंने करके दिखा दिया। अब 3 1 1 क्या होगा, 3 कॉम्बिनेशन मिला, मतलब आपको बाद वाला चेक करना ही पड़ेगा। तो n की प्लेस वैल्यू होती है 14, कितना हो गया आपके पास में 5, ऑलरेडी 9 ठीक है, और 8 ऑलरेडी 8 ठीक है, मतलब मैं सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 3 1 1 5 9 8, 3 1 1 5 9 8 दैट मीन बी इज योर राइट आंसर। ठीक बच्चा, समझ में आ गया है ना, कितना इजी हो रहा है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहां से डिजाइन यहां, यहां से डिजाइन यहां, यहां पे यहां, ये डिजाइन ये डिजाइन ये डिजाइन। मैंने आपसे बोला ना कि एग्जामिनर जो है वो डिजाइन गलत नहीं बनाएगा, वो डिजाइन आपकी प्रॉपर बनाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14। हम क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। ये रहा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15 ठीक। नंबर ऑफ लेटर आपके पास में 5 है। मैंने आपको क्या कहा, जब नंबर ऑफ लेटर्स आप जब होंगे हमारे पास, हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको जब तोड़ेंगे तो बेटा आप ये बताओ कि डी से वी कैसे आ सकता है, डी से वी कैसे आ सकते हैं, आप बताना। डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। बच्चे ने हमेशा क्या करना कि पड़ोसी देश ढूंढने की कोशिश करना, कि आपको पड़ोसी ढूंढना है। तो डी का अपोजिट होता है वी, सॉरी डब्ल्यू, और डब्ल्यू में से माइनस वन करेंगे तो हो गया वी, है ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस ई का अपोजिट होता है आपका इवेंट के हिसाब से वी, और वी में जब हम माइनस वन करेंगे हमारा आंसर आ गया यू, हो रहा है ना। फिर क्या होता है, ये यहाँ पे इसका अपोजिट और ये अपोजिट, ये अपोजिट, क्लियर। तो हमारे पास लॉजिक क्या लग रही है, अपोजिट माइनस वन, अपोजिट माइनस वन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बीच का तोड़ते हैं, तो ए का अपोजिट होता है आपका जेड, ए का अपोजिट होता है आपका जेड, और जेड माइनस वन करेंगे तो हमारा आना चाहिए वाई, हुआ बेटा। जेड माइनस वन करेंगे तो हमारा आना चाहिए क्या बेटा, वाई आना चाहिए। तो यहां से हमारे दो ऑप्शन कट गए, एक ये वाला और एक ये वाला, दो ऑप्शन, सॉरी सॉरी दो ऑप्शन, ये दोनों कट के ये बचा अभी आपका, ये और ये। अब यहाँ पे दोनों में स्टार्टिंग में एम है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या लॉजिक लग रही है, अपोजिट माइनस वन। तो आप जब यहाँ पे आओगे, आपको ये दोनों ऑप्शन बेटा आपके प्रॉपरली सही है। तो m का अपोजिट होता है n, है ना, m का अपोजिट होता है n, और n में जब माइनस वन करेंगे तो अगेन m आंसर आ गया ठीक। और e का अपोजिट आपको पता ही है क्या, इवेंट, और v से जब ऑलरेडी माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू। तो एम यू वाई, एम यू वाई दैट मीन बी इज योर राइट आंसर। सो बी इज योर राइट आंसर, एम यू वाई एन क्यू इज योर राइट आंसर, क्लियर बच्चे। चलिए 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 पे अब हम मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। बच्चे पी से आर लाने के लिए आप क्या करोगे, 16 से 18 लाने के लिए आप क्या करोगे, प्लस 2। ई से सी लाने के लिए आप क्या करोगे, माइनस 2 ठीक है। 18 से 20 प्लस 2, 19 से 21 प्लस 2, है ना। फिर आप देखिएगा क्या, 15 से 13 माइनस 2, है ना। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, 14 से 16 मतलब प्लस 2। तो बच्चा आपको एक कॉम्बिनेशन मिल गया क्या, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2। अब आप ये देखोगे, तो अगर हमने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स बेटा 5 6 है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर आपके 5 है। तो बच्चे ये ध्यान दीजिएगा कि वहां पे आपके पास में 6 है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर आपके पास में 5 है। तो ध्यान से देखिएगा कि जहां पे माइनस हो रहा है, एक ये ई है एक ये ओ है, इन दो जगह पे माइनस हो रहा है। तो ये दो जगह कौन सी है आपकी, क्या है, ऑड नंबर है। देखिए ई की प्लेस वैल्यू क्या है आपकी, 5 है ठीक है। ऑड नंबर जैसे इसकी सॉरी ये वॉवेल है, तो ए ई आई ओ यू। तो बेटा वॉवेल में आप क्या करोगे, माइनस 2, और कॉन्सोनेंट में आप क्या करोगे, प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस यू क्या है आपका, वॉवेल है, तो यहां माइनस 2, यहां माइनस 2, और यहां माइनस 2, और यहां पे क्या, प्लस 2, और यहां पे क्या बेटा, प्लस 2। तो यू में माइनस 2, 21 में से 2 क्या, तो बचेगा आपका एस, और एस ऑप्शन में सिर्फ एक जगह पे, कहां पे, यहां पे। सो ए इज योर राइट आंसर। आगे चेक करने की जरूरत है नहीं ना, लेट्स मूव ठीक है। क्या करें बेटा, वॉवेल में माइनस 2 और कॉन्सोनेंट में प्लस 2। आई थिंक सो आपको प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए आज की टॉपिक को हम यही खत्म करते हैं, कल हम आपके पास में फिर से आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।
इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन ले करके, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन ले करके, जिसमें हम आपको और डिफरेंट डिफरेंट चीज दिखाएं कि हाँ एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड होने के लिए आप रीजनिंग बाय शैलजा मैम सर्च कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्लीज बच्चे इस हमारी फीस को जमा करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करिएगा, आपके जो बाकी आपके दोस्त हैं उनको भी बताइए कि हाँ मैम बहुत अच्छा पढ़ा लेती हैं, हमारी थोड़ी सी तारीफ कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं फिर से आपकी एक नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, अलविदा एंड टेक केयर। तो यहाँ पे भी क्या लॉजिक लग रही है, अपोजिट माइनस वन। तो आप जब यहाँ पे आओगे आपको ये दोनों ऑप्शन बेटा आपके प्रॉपरली सही है। तो m का अपोजिट होता है n, है ना, m का अपोजिट होता है n, और n में जब माइनस वन करेंगे तो अगेन m आंसर आ गया। ठीक, और e का अपोजिट आपको पता ही है क्या, इवेंट, और v से जब ऑलरेडी माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू। तो m u y दैट मीन b इज योर राइट आंसर, सो b इज योर राइट आंसर, m u y एंड q इज योर राइट आंसर। क्लियर बच्चे? चलिए 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 पे अब हम मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। बच्चे p से r लाने के लिए आप क्या करोगे, 16 से 18 लाने के लिए आप क्या करोगे, प्लस 2। e से c लाने के लिए आप क्या करोगे, माइनस 2। ठीक है, 18 से 20 प्लस 2, 19 से 21 प्लस 2, है ना। फिर आप देखिएगा क्या, 15 से 13 माइनस 2, है ना। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, 14 से 16 मतलब प्लस 2। तो बच्चा आपको एक कॉम्बिनेशन मिल गया क्या, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2। अब आप ये देखोगे तो अगर हमने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स बेटा 5-6 है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर आपके 5 है। तो बच्चे ये ध्यान दीजिएगा कि वहां पे आपके पास में 6 है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर आपके पास में 5 है। तो ध्यान से देखिएगा कि जहां पे माइनस हो रहा है, एक ये ई है एक ये ओ है, इन दो जगह पे माइनस हो रहा है, तो ये दो जगह कौन सी है आपकी, क्या है, ऑड नंबर है। देखिए ई की प्लेस वैल्यू क्या है आपकी, 5 है। ठीक है, ऑड नंबर जैसे इसकी सॉरी ये वॉवेल है, तो ए ई आई ओ यू। तो बेटा वॉवेल में आप क्या करोगे, माइनस 2, और कॉन्सोनेंट में आप क्या करोगे, प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस यू क्या है आपका, वॉवेल है, तो यहां माइनस 2, यहां माइनस 2 और यहां माइनस 2, और यहां पे क्या, प्लस 2, और यहां पे क्या बेटा, प्लस 2। तो यू में माइनस 2, 21 में से 2 क्या, तो बचेगा आपका एस, और एस ऑप्शन में सिर्फ एक जगह पे, कहां पे, यहां पे। सो ए इज योर राइट आंसर। आगे चेक करने की जरूरत है नहीं ना, लेट्स मूव। ठीक है, क्या करें बेटा, वॉवेल में माइनस 2 और कॉन्सोनेंट में प्लस 2। आई थिंक सो आपको प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए आज की टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं, कल हम आपके पास में फिर से आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर के, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर के, जिसमें हम आपको और डिफरेंट डिफरेंट चीज दिखाएं कि हाँ एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड होने के लिए आप रीजनिंग बाय शैलजा मैम सर्च कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्लीज बच्चे इस हमारी फीस को जमा करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करिएगा, आपके जो बाकी आपके दोस्त हैं उनको भी बताइए कि हाँ मैम बहुत अच्छा पढ़ा लेती हैं, हमारी थोड़ी सी तारीफ कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं फिर से आपकी एक नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, अलविदा एंड टेक केयर।